उत्पत्ति 17 का 18वां वचन। और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इस्माएल तेरे दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। इसहाक को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के रूप में कहा, लेकिन ये कहता है जो आजीरा का बेटा इस्माएल जो है जीवित रहे, वो बने रहे, यही मनुष्य की जो है इच्छा है। परिस्थिति को देखने से नामुमकिन है, इसलिए वो कहता है तेरे सामने इस्माएल जो है जीवित रहे, बने रहे। इसलिए परमेश्वर आज कहने के लिए चाहता है, परमेश्वर यदि आपको वचन दिया है, कितने परिस्थितियां बदलने से भी, समय बीतने से भी, परमेश्वर का वचन जरूर पूरा होगा। जब परमेश्वर सारा से कह दिया तो जरूर देगा, ए सारा मैं तुमको वचन को दिया है, ए इब्राहिम मैं तुमको प्रतिज्ञा दिया है, उसी के द्वारा मैं पूरा करूंगा, दूसरे कोई माध्यम से नहीं। शायद 100 उम्र हो गया या 150 उम्र हो गया, लेकिन परमेश्वर की वादा पूरा करेगा। यदि परमेश्वर कह दिया तो सारा के द्वारा होगा, सारा का शरीर सारा कमजोर हो गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर वचन को सारा के द्वारा ही पूरा करेगा। वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी ढल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की वचन कभी नहीं ढलेगी, उसकी वचन उसकी वादा जरूर पूरा होगा। शायद परिस्थितियां उसके खिलाफ है, सारा मनुष्य उसके लिए खिलाफ है, लेकिन परमेश्वर का जो वादा हो गया तो जरूर वो पूरा करेगा। मत्ती 16 अध्याय का 22 और 23 वचन में देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस की मृत्यु के बारे में कहने के वक्त पत्रस कहता है, तुझ पर ऐसा ना हो। तीन जगह में परमेश्वर अपने मृत्यु के बारे में कहता है, उसमें एक जहां यहां पर लिखी हुई है, परमेश्वर के विरोध में पत्रस ने कहा। यीशु को अलग से ले जाकर पत्रस कहता है, ऐसे नहीं होना है प्रभु। तब प्रभु ने देखा, ये पत्रस ने कहता, पत्रस के पीछे जो शैतान है वो कहता, इसलिए कहा हे शैतान मुझसे दूर हो जाओ। क्रूस में जाना परमेश्वर इच्छा थी, लेकिन मनुष्य की इच्छा है उसको मना करना। इसलिए मनुष्य की इच्छा को दूर करके परमेश्वर की इच्छा को यीशु ने पूरा किया। उसने क्रूस पर जाके पिता की मर्जी के अनुसार मरा और तीसरा दिन जी उठा। इतना महान योजना, जो उद्धार की योजना को उन्होंने हमारे लिए पूरा किया। इसलिए खुद की मर्जी नहीं करना है, परमेश्वर की मर्जी को जानना है, और परमेश्वर क्या कहता है, क्या करने के लिए चाहता है, उसके जान के जब करेंगे तो आपके जीवन में आप आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।